हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा ताज़ा ताज़ा पनीर जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और ये पनीर मैंने घर पे बनाया है। घर में जो दूध मेरे पास आता है उसी से मैंने इस पनीर को बनाया है। और इस पनीर को मैंने किस तरह से बनाया है आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये पनीर बिल्कुल ताज़ा है और काफ़ी अच्छा बनता है। एक बार अगर आप घर पर बना हुआ पनीर खा लेंगे तो बाहर से आपको पनीर जो है लाना भूल जाएंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ मैंने कैसे किस तरह से बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको दूध लेना है। मैंने 1 kg के राउंड देखिए दूध लिया है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, मेरे पास जो रेगुलर गाय का दूध आता है मैंने वह उसी दूध से बनाया है 1 kg के आसपास। ये दूध थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, मैंने नापा नहीं है। ये जितना बचा हुआ दूध था पीने के बाद उसे मैंने यहाँ पे ले लिया है। दूध को अच्छे से पूरा अच्छे से बॉयल कर लेना है। दूध में पूरा मतलब बॉयल होते होते ही उसमें थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, नींबू का रस डालना है। अच्छे से बॉयल होना चाहिए और खौलते हुए दूध में हमको नींबू का रस निचोड़ देना है। या फिर आप नींबू का रस पहले से निचोड़ कर रख सकते हैं, उसके बाद उसमें डाल देना है। 2 नींबू आप अच्छे से निचोड़ लीजिए आप अपने दूध के अकॉर्डिंग, उसके बाद उसमें डाल दीजिए। दूध नींबू के जगह पर आप विनीगर भी यूज कर सकते हैं, बहुत लोग विनीगर यूज करते हैं। तो दोनों में से कोई आप ले सकते हैं और दोनों से दूध जो है काफ़ी अच्छा फटता है। तो देखिए, दूध जब फट जाता है तो देखेंगे कि छाली जो मतलब जो छेना है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और पानी जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। मतलब क्रिस्टल क्लियर पानी हो जाता है जब अच्छे से छेना फटता है। तो कभी कभी अच्छे से नहीं फटता है तो आपको जो है नींबू डालने के बाद क्या करना है, थोड़ा देर उसको 5 से 7 मिनट तक चलाते रहिए। उसके बाद देखिएगा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फट जाता है। तो देखिए मेरा छेना बिल्कुल फट गया है और अभी मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें जब नींबू का रस डालते हैं तो थोड़ा सा खट्टापन रहता है। तो 2-3 पानी से जो छेना को है उसको धो लीजिए। और ये जो पनीर फाड़ते हैं ना, मतलब पनीर बनाते हैं छेना फाड़ते हैं, उससे कितना सारा चीज़ आप बना सकते हैं। मिठाई बहुत सारा बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं और भी बहुत सारा चीज़ हम लोग इससे बनाते हैं। छेना जो है मिठाई उससे भी तो ये मतलब इसी से बनता है। तो अभी मैंने इसको फाड़ लिया है और इसको क्या करूँगी मैं, इस तरह से इसका पानी निचोड़ दूंगी और इसमें एक गांठ लगा के आप कहीं पे लटका दीजिए, बेसिन में लटका, बेसिन के आसपास जो नल है उसी में लटका दीजिए। मेरे पास वो नल है जो मतलब बढ़िया वाला नल नहीं है, उसमें मैं लटका नहीं सकती। तो मेरे बेसिन के पास जो बर्तन स्टैंड है उसका जो आगे का जो है बर्तन लटकाने वाला जो रहता है उसी में मैं इसको लटका दूंगी, ताकि इसका पानी जो रहता है एक्स्ट्रा वाटर जो नीचे टप टप करके वो पूरा गिर जाए। ऐसा जगह लटकाइएगा हाँ जहाँ पानी जो है बह सके, मतलब नाली हो, क्योंकि इससे पानी जो टप टप है बहुत देर तक गिरता है। और ऐसे करके आपको 5 से 6 घंटे लगभग आपको छोड़ देना है। 5 से 6 घंटे छोड़ने के बाद देखिएगा इसका पानी जो देखिए अभी से गिरना शुरू हो गया है, टप टप करके पूरा पानी जो है वो निकल जाएगा। और देखिएगा 5-6 घंटे के बाद ये बिल्कुल जो है ड्राई हो जाता है। देखिए तो इस तरह से हमने इसको छोड़ दिया है और 5-6 घंटे बाद मैं इसको फिर से चेक करूँगी कि ये ड्राई होता है या नहीं। 5-6 घंटे मेरा हो गया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ये ड्राई हो गया है, देखिए पूरा पानी इसका गिर चुका है, लेकिन फिर भी अभी इसमें थोड़ा सा पानी का अंश है। तो मैं इससे क्या करूँगी, इसका एक छोटा सा पोटली टाइप का बना देती हूँ, उसके बाद एक प्लेट उसके ऊपर रख के इस तरह से सिलबट्टा तो हर किसी के घर में होता है, तो आप लोढ़ी पाटी जिसे बोलते हैं, तो पाटी जो बड़ा हैवी चीज़ है उसके ऊपर रख दीजिए, ताकि उस प्रेशर से जो है पूरा एक्स्ट्रा जो वाटर रहता है पानी रहता है वो बाहर निकल जाए और पनीर का शेप ले ले। तो कोई भी भारी चीज़ आप रख सकते हैं, जैसे चावल का जो है ये हो गया, कंटेनर हो गया, कोई हैवी चीज़ तो इस पे रख दीजिए। सबसे अच्छा है जहाँ सबसे भारी जो घर में होता है वो यही होता है और इजीली जो है रह जाता है। अभी देखिए मेरा, मैंने इसे 6 से 7 घंटा रख दिया है। आप शाम को अगर डालते हैं तो ओवरनाइट इसे रख सकते हैं। 6-7 घंटे के बाद देखिए मेरा कुछ इस तरह से पनीर जो है वो बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा बना है। कपड़ा जो आप यूज़ कीजिए बिल्कुल कॉटन का होना चाहिए और साफ़ सुथरा कपड़ा आप यूज़ कीजिए। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना सॉलिड मेरा पनीर बना है। और इस तरह से आप भी अपने घर पे बिल्कुल आसानी से पनीर जो है बना सकते हैं। कभी कभी लोगों के घर में दूध जो फट जाता है उसको वेस्ट कर देते हैं, तो आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपने घर पे बिल्कुल आसानी से पनीर जो है बना सकते हैं। और एक बार आप अगर घर का बनाया हुआ पनीर आप खा लेते हैं तो आप बाहर से लाना भूल जाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है बिल्कुल अलग होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मार्केट का जो पनीर होता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो इस तरह से मैंने, देखिए आप इसको डायरेक्ट मतलब फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ा सा पानी डालकर, या फिर इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और एक कटोरे में इसको डाल लूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर आप फ्रिज में रख दीजिए। 2-3 दिन आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो आप भी
अपने घर पे इस तरह से पनीर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।